भी साथ में दे देते। जैसे आप मेहनत करते जाएंगे वैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये और एक कदम आगे बढ़े तो इनका भी वेलकम होना चाहिए। yes. तो इनके लिए स्पेशल किया, उससे आगे एडी लेवल का 9% का वो भी मैंने अचीव किया, उससे आगे
10% का लेवल है हीरो डिस्ट्रीब्यूटर, उसको भी अचीव किया और आज मैं मास्टर लेवल पे पहुंचा हूं। भैया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और समस्त डाउनलाइंस का। और मेरे माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यही कहा बार बार कि कुछ नहीं, लगातार प्रयास करते रहो। अब घर वालों ने, जैसे आप भी आज काम देख के आप ऑफिस घर जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मुझे काम करने के लिए कुछ अमाउंट की जरूरत है, मुझे काम करना है, तो आपको दो जवाब मिलेंगे। 90% चांस है मैं काम आऊंगा, ऐसे कुछ आप बोलेंगे 50,000 यहाँ से कमा सकता हूँ 4,500, इतना लोग बिलीव नहीं करेंगे, तो या तो आपको हाँ करेंगे या ना करेंगे। अब इनको घर वालों ने क्या बोला, आप बेटा लगातार प्रयास करता रहे, तो प्रयास करते इनके साथ कई लोग और भी आए थे जो काम आए देखे और चले गए, वो नहीं कर पाए वो चले गए, इन्होंने लगातार काम किया प्रयास किया तो आज आपके सामने यहाँ पे मास्टर बन के स्टेज पे खड़े हैं। हम सब लोग इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो इन्होंने इतनी मेहनत की है और इनके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया तब तक आज ये यहाँ पे पहुंचे। तो एक ग्रुप फोटो हम सबके साथ दोस्तों। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मेरे को एक बात बोली गई, इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो आपको अपने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ब्लाइंडली का मतलब होता है कि आप आंख बंद करके अपलाइन को क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि आपको कामयाब होना है। तो मैं जब गैरेज में आया था, मैं ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता था, लगभग 17 साल की उम्र में मैंने गैरेज को शुरू कर लिया था। उस टाइम मेरी अपलाइन सॉरी सुल्तान भैया थे, तो मैंने फिर ब्लाइंडली सुल्तान भैया को क्या किया, फॉलो किया। हालांकि मेरे को थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के जो भी सपने थे वो सारे सपने क्या किए, पूरे किए। और एक उदाहरण मैं और देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच मुनीराम जी हैं जो अपनी अपलाइन को ब्लाइंडली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये टाइम नहीं देते, इनको बोला जाए कि रात को बोला जाए कि 10 बजे ये काम करना है तो ये नहीं बोलेंगे 10 बजे सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, ये टाइम नहीं देखते, ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से आज ये इस कंपनी की क्या बन सकती है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं तो आप सब लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको एक बार मुनीराम जी से जरूर मिलना चाहिए। चाहिए आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे घर से निकलते हो, कितने बजे घर जाते हो और दिन भर में क्या क्या काम करते हो, ये जैसे करते हैं वैसे आप करना क्या करते हो। यदि 10 घंटे सोते तो आप ही 10 घंटे सोएंगे, ये 12 घंटे सोते तो आप 12 घंटे सोएंगे, यदि 6 घंटे सोते तो आप ही 6 घंटे सोएंगे, यदि 4 घंटे काम करते तो आप ही 4 घंटे कर लीजिए, ये 8 घंटे करते हैं तो आप ही 8 घंटे कर लीजिए, ये 12 घंटे करते तो आप भी 12 घंटे कर लीजिए, ये जैसे करते हैं वैसे आप में से कोई भी इंसान काम करेगा, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो वैसा करेंगे तो उनको भैया मास्टर बनने से रोकने वाला नहीं। मुझे ये दोस्त बोलने देंगे।